नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं लाइव टुडे। लेकर हाजिर हूं चुनावी दंगल से हमारी खास पेशकश, दंगल 2019। सातवें चरण की जंग यानी आखिरी जंग में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, लेकिन इन चुनावों के कास्ट वोट में एक बड़ा अंतर है। वो अंतर है मुस्लिम मतदाताओं का, जो पिछले 6 चरणों के चुनावों में निर्णायक भूमिका में सामने आए थे। यही वजह थी कि हर दल मुस्लिम, दलित, पिछड़ों पर पासा फेंकता रहा। लेकिन सातवें चरण की अगर बात करें तो सातवें चरण में मुस्लिम फैक्टर बीते चरणों के मुकाबले काफी कम असरदार दिख रहा है। आप भी देखिए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में जिन 13 संसदीय सीटों पर 19 मई को मतदान होगा, उनमें मुस्लिम फैक्टर ज्यादा असरदार नहीं है। केवल 6 सीटें ही ऐसी हैं जिन पर 2.5 लाख या इससे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। महाराजगंज में उनकी संख्या सबसे ज्यादा यानी कि 4 लाख के करीब है। इस सीट पर उनके वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। यहां से भाजपा ने पंकज चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। वो 1991, 1996, 1998, 2004 और 2014 में इसी सीट से सांसद चुने गए थे। सपा ने अखिलेश सिंह को टिकट दिया है। वो 1999 से सपा से ही सांसद निर्वाचित हुए थे। वहीं कांग्रेस ने सुप्रिया श्रीनेत को उम्मीदवार बनाया है। उनके पिता हर्षवर्धन सिंह 2009 में कांग्रेस से सांसद चुने गए थे। एक नजर डालते हैं सातवें चरण की सीटों के मुस्लिम मतदाताओं पर। किस सीट पर कितने मुस्लिम मतदाता? महाराजगंज करीब 4 लाख, घोसी करीब 3,75,000, कुशीनगर 3,50,000, वाराणसी करीब 2,75,000, देवरिया 2,75,000, मिर्जापुर 2,50,000, गाजीपुर 2,25,000, चंदौली 2,25,000, गोरखपुर 2 लाख, बांसगांव 1,50,000, सलेमपुर 1,50,000, बलिया करीब 1,50,000, रॉबर्ट्सगंज करीब 1 लाख। पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटों में बीजेपी की 11 और उसका सहयोगी अपना दल 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। इसी तरह गठबंधन में सपा 8 और बसपा 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 11 और उसकी सहयोगी जन अधिकार पार्टी 1 सीट पर चुनावी मैदान में है। बीजेपी से कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है, लेकिन बसपा और कांग्रेस ने एक एक मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव लगाया है। बसपा ने गाजीपुर से अफजाल अंसारी को और कांग्रेस ने देवरिया से नियाज अहमद को उम्मीदवार बनाया है। आखिरी चरण की 13 सीटों पर मुस्लिमों का रुझान आमतौर पर भाजपा को हराने वाले दलों के साथ है। अधिकतर सीटों पर बीजेपी और गठबंधन में टक्कर होने के कारण मुस्लिम का रुख गठबंधन की तरफ दिख रहा है। हालांकि मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा नहीं होने के कारण वे बहुत असरदार नहीं माने जा रहे हैं। प्रदेश में 19% से अधिक आबादी होने के बाद भी साल 2014 में प्रदेश में कोई मुस्लिम सांसद नहीं चुना गया था। 2018 में हुए उपचुनाव में कैराना लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल की तबस्सुम हसन सांसद चुनी गई थी। 16वीं लोकसभा में वो प्रदेश की एकमात्र मुस्लिम सांसद हैं। 2009 में प्रदेश से 7, 2004 में 10 और 1999 में 8, 1998 में 6, 1996 में 5 और 1999 में केवल 3 मुस्लिम सांसद निर्वाचित हुए थे। चुनाव के आखिरी सफर में हमारी टीम पहुंची है मिर्जापुर, जहां बीजेपी ने अपना दल एसके समर्थन से अनुप्रिया पटेल को मैदान में उतारा है। 2014 में लड़ाई अनुप्रिया के लिए आसान थी। हालांकि अब उनके मंत्री होने जाने की वजह से इस सीट का महत्व इस बार और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं एसपी बीएसपी गठबंधन और कांग्रेस भी इस सीट पर अपना दमखम दिखा रहे हैं, जो अनुप्रिया के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। आप भी देखिए।
मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की उन चंद चुनिंदा संसदीय सीटों में से एक सीट है जिसकी अपनी अलग ही राजनीतिक महत्वता है। मिर्जापुर उत्तर में संत रविदास नगर और वाराणसी से, तो पूर्व में चंदौली से, दक्षिण में सोनभद्र से और पश्चिमोत्तर में प्रयागराज से घिरा हुआ है। ये जिला मिर्जापुर डिवीजन का एक हिस्सा है। एक समय सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला था, लेकिन 1989 में विभाजन कर मिर्जापुर को नया जिला बना दिया गया। इस जिले में चार तहसील जो 12 ब्लॉक में बटी है। मिर्जापुर जिले की आबादी करीब 25 लाख है, जो यूपी का 33वां सबसे घनी आबादी वाला जिला है। यहाँ से अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल सांसद हैं और इस पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था और इस बार भी बीजेपी और अपना दल गठबंधन से मैदान में है। उनके सामने कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी और गठबंधन से रामचरित निषाद हैं। चुनावी रण के योद्धाओं के बारे में यहाँ की जनता का क्या ख्याल है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से बात की, लेकिन मौजूदा सांसद अनुप्रिया पटेल से वो थोड़ा नाराज दिखाई दिए। आप भी सुनिए। हाँ, अनुप्रिया पटेल जी, उनके कार्यकाल से हम लोग कोई संतुष्ट नहीं है। वो कुछ भी अभी मिर्जापुर जिले में कोई विकास नहीं किया, न रोड का, न कहीं, न गरीबों कोई ज्यादा, न कोई सुनवाई होता उनके यहाँ। और जो हमारे बसपा और सपा के गठबंधन में, हम उनका लोग का साथ देंगे, क्योंकि जो देश में इस पर मोदी की लहर चल रही है, मोदी ने जितना काम किया है उससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है सब बीजेपी की ही लहर है, बीजेपी को ही वोट मिलेगा, क्योंकि इन्हीं के जो कम से कम 45 साल इनकी इन्हीं के परिवार वालों ने शासन किया है, कोई विकास नहीं हुआ। अभी 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथ में था, उन्हें कुछ नहीं किया है, तो प्रियंका क्या करेंगे। जो है देखिए, जहाँ तक काम की बात है, काम जितना नहीं हुआ उससे ज्यादा मीडियाबाजी हुई। मीडियाबाजी के साथ साथ जो है उन्होंने ढकोसले दिए, पेपर में ऐड दिए, काम कम हुआ, दिखावा ज्यादा हुआ। ज्यादा दिखावे के कारण ही उन्होंने जो अपना प्रचार प्रसार करके वो काम के भाभी को लूटना चाहा। जब तक उनको लगा कि अब मेरा विरोध हो रहा है तो गठबंधन से, भाजपा से गठबंधन की दूरी बनाई, लेकिन उसी दौर में जब महागठबंधन हो गया तो फिर वो भाजपा के तलवे चाट के वो टिकट लेके वापस जनपद में आई है, क्योंकि दूसरे जगह से वो कभी जीत ना पाती, क्योंकि जनता उनको भले ही अच्छे से जान रही हो, उनके ढकोसले को, एक दल को लेके चलना, एक जात को लेके चलना, ये सरासर सवर्णों के जो है बुराई करना, ये उनके लिए सबसे बड़ा हानिकारक था, इसलिए उन्होंने पुनः जो है तलवा चाटा जो भाजपा का। मिर्जापुर लोकसभा सीट के अंतर्गत मरिहन, चुनार, छानबे, मिर्जापुर और मझावन विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें चार विधानसभा सीटों पर बीजेपी और एक विधानसभा सीट पर अनुप्रिया पटेल के गुट के अपना दल का कब्जा है। सपा बसपा गठबंधन मिर्जापुर लोकसभा सीट पर बीजेपी अपना दल को कड़ी चुनौती पेश कर सकता है। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर अब तक 15 बार चुनाव हो चुके हैं। इस सीट पर 5 बार कांग्रेस को जीत मिली है, वहीं बीजेपी ने 2 बार, समाजवादी पार्टी ने 4 बार और बसपा ने 2 बार जीत दर्ज की है। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 18,23,859 है। इनमें से 9,61,640 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 8,62,059 महिला मतदाता हैं। 2014 के जनादेश की बात करें तो 2014 में हुए आम चुनाव में मिर्जापुर लोकसभा सीट से बीजेपी और अपना दल की संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर अनुप्रिया पटेल ने जीत दर्ज की थी। 2014 की बात करें तो ये रहा था जनादेश, बीजेपी और अपना दल की संयुक्त प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल जीती। अनुप्रिया पटेल ने बसपा प्रत्याशी समुद्र बिंद को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। अनुप्रिया पटेल को 4,36,536 वोट मिले थे, समुद्र बिंद को 2,17,457 वोट मिले थे। कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी के महज 1,52,666 वोट मिले थे। इस सीट पर अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं, जिनकी संख्या 1,55,000 है। इसके बाद क्षत्रिय 80,000, वैश्य 1,40,000, दलितों की बात करें तो उनकी संख्या 4,51,000 है। ओबीसी मतदाताओं में सबसे ज्यादा संख्या कुर्मियों की है, जो 3,05,000 की तादाद में है। इसके बाद बिंद और निषाद 1,45,000, मौर्य 1,20,000, पाल 50,000, यादव 85,000, बीआर 30,000। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 2 लाख के करीब है,
प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन के बाद मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र की लड़ाई तेज हो गई है। यहाँ की सांसद अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री भी हैं। ऐसे में मोदी सरकार की कोशिश होगी कि प्रदेश की अन्य सीटों की तरह यहाँ से भी जीत हासिल करें। लेकिन बदलते समीकरण के बाद यहाँ की लड़ाई आसान नहीं कही जा सकती है। मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव 19 मई को होने हैं और सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मतदाताओं को लुभाएं। मिर्जापुर में समस्याएं तो बहुत रही हैं, यहाँ पे कोई उद्योग धंधा रही है, रोजी रोजगार नहीं है, कोई बड़ा कॉलेज या इंस्टीट्यूट नहीं है जिससे कि लोगों को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। पहले यहाँ कभी बर्तन उद्योग, कालीन उद्योग हुआ करता था जो कि अब नहीं के बराबर है। यहाँ पर वर्तमान में सांसद अनुप्रिया पटेल हैं जिनका मुकाबला कांग्रेस के लतेशपति और महागठबंधन के रामचरित निषाद से है। अगर अनुप्रिया पटेल के कार्यकाल की बात करें तो पिछले 5 सालों में उन्होंने कुछ अच्छे भी काम किए हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ लाना, केंद्रीय विद्यालय का चालू करवाना, पेट्रोल डिपो का शिलान्यास और विंध्याचल तथा मिर्जापुर रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण, जो कि दिखाई देता है मिर्जापुर आते ही लोगों को महसूस होता है कि अच्छी जगह पर आ गए हैं। मिर्जापुर में कुल 18,23,000 मतदाता हैं जो कि इस बार अपना सांसद चुनेंगे। अब देखना यह है कि किसके भाग खुलता है और किसकी होती है जमानत जब्त। वीडियो जर्नलिस्ट लक्की के साथ राजन गुप्ता, लाइव टुडे न्यूज, मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में शुमार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई भी दिलचस्प हो गई है। यहां 7वें चरण में होने वाले मतदान के लिए चुनाव मैदान में भाजपा ने अपने पुराने दिग्गज नेता और महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी को उतारा है और उनको टक्कर दे रही हैं हर्षवर्धन की बेटी सुप्रिया श्रीनेत। तो गठबंधन भी पीछे नहीं है। बहरहाल इन तीनों की किस्मत भी और इसकी किस्मत की चाबी फिलहाल यहां के मतदाताओं के पास है। तो इसी चाबी के दिशा को पहचानने के लिए हमारी टीम पहुंची महाराजगंज और जाना कि क्या है जनता के मन का हाल। महात्मा गांधी और महाराजगंज के बीच खास रिश्ता है। दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। बापू 1869 में जन्मे और महाराजगंज ठीक 120 साल बाद 1989 को बना। उससे पहले तक ये गोरखपुर जिले का हिस्सा था। नेपाल की दक्षिणी और उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तरी सीमा पर स्थित जिले महाराजगंज के कुछ और रिश्ते भी हैं। 5 अक्टूबर 1929 को गांधी जी ने महाराजगंज में सभा की और पूरा जिला गांधीमय हो गया। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ गांव उठ खड़े हुए। ऐसे रोचक इतिहास वाले महाराजगंज में 19 मई को मतदान होना है। भाजपा यहां अपनी सीट बचाने की हर कोशिश कर रही है तो गठबंधन और कांग्रेस सीट छीनने की कोशिश में है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के पंकज चौधरी और कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत और गठबंधन के अखिलेश सिंह के बीच है। जनता किन मुद्दों पर मतदान करने वाली है, जातियों की पकड़ कितनी मजबूत है और यहां किन मुद्दों पर कैसी बहस चल रही है, ये सब हमने यहां के लोगों से जानने की कोशिश की। विकास के मुद्दे पे वोट किया जा रहा है, बहुत बहुत अच्छा काम किया। सड़कों का क्या पिछले अपनी जनता में सारे गरीबों को उज्जवल योजना का गैस पेंशन सारी सुविधाएं दी गई। विकास और रोजगार के मुद्दे को उठाना चाहता हूँ मैं यहाँ के सरकार से। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ के जितने भी युवा हैं उनको रोजगार दें, जो भी जीते बस क्या विकास के रूप में काम करें। पिछले चुनाव में आज उन्होंने कहा था कि मैं किसानों की जितनी मतलब गन्ना मिले बंद है वो सब करवा दूंगा। दूसरी प्रमुख समस्या यहाँ पे है रेल की। पंकज चौधरी जो वर्तमान सांसद है और 5 बार के यहाँ के सांसद रह चुके हैं, उन्होंने वादा किया था कि इस बार मैं रेल जरूर लाऊंगा, लेकिन उन्होंने एक भी बार सदन में रेल के लिए बोलने तक का काम नहीं किया। मुद्दा हमारा यही है, विकास का मुद्दा। हम युवाओं को रोजगार चाहिए। यहाँ पे अभी तक रोजगार की और बात करें यहाँ पे कोई रेलवे की नहीं है। मुख्यालय पे यहाँ महाराजगंज से सकते हम मुख्यालय है नगर में, लेकिन वहाँ पे कोई अभी रेलवे का लाइन अभी तक नहीं आया है। सांसद जी हमारे कहते हैं हे जाएगा हो जाएगा, अभी तक कोई उसका सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। और रोजगार की बात करें यहाँ पे महाराजगंज में कोई रोजगार वोजगार किसी को नहीं मिलता है। बस लोग धक्का देते हैं, आप हमको वोट करिए हम आपको रोजगार देंगे, ये देंगे वो देंगे,
बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, सब लोग यही हमको सब लोग यही कहते हैं कि हमको वोट करिए, हमको वोट करिए, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करते हैं, खाली बस दिखावा है लोगों का, सरकार आती है जाती है लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं। फिलहाल इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। सांसद पंकज चौधरी छठी बार जीत के लिए जूझ रहे हैं। उन्होंने भाजपा के टिकट पर ही 1991 से 1998 तक 3 बार चुनाव लगातार जीते थे। उसके बाद 2004 और 2014 में भी वो सांसद चुने गए। इस बार उनका मुकाबला गठबंधन के प्रत्याशी सपा नेता अखिलेश सिंह से है, जिन्होंने 1999 में ये सीट जीती थी। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत पत्रकारिता का करियर छोड़कर चुनाव में उतरी है। उनके पिता हर्षवर्धन 2 बार इस सीट से सांसद चुने गए थे। शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा ने बाहुबली पूर्व मंत्री अमनमणि त्रिपाठी की बेटी तनुश्री त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया था। दिलचस्प बात ये है कि प्रसपा की तरफ से तनुश्री को प्रत्याशी घोषित करने के एक दिन बाद जारी लिस्ट में कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। बाद में उनकी जगह कांग्रेस ने सुप्रिया श्रीनेत को उम्मीदवार बनाया, इसलिए तनुश्री ने चुनाव के लिए पर्चा ही नहीं भरा। यहाँ की समस्याओं की बात करें तो महाराजगंज की प्रसिद्धि तो चीनी के हब के रूप में जानी जाती है, लेकिन अब स्थिति कुछ और ही है। कभी जिले में 4-4 चीनी मिलें हुआ करती थी, लेकिन अब ज्यादातर मिलें बंद पड़ी हैं, जिसका असर चुनाव पर दिख सकता है। महाराजगंज क्षेत्र के कस्बों से लेकर गांव तक राष्ट्रीय मुद्दे चर्चा में तो हैं, लेकिन जातीय गणित मजबूत दिखती है। ये पिछड़ी बाहुल सीट है, जहां तकरीबन 60% आबादी पिछड़े वर्ग की है। अकेले पटनवार जात के लोग 25% से ज्यादा है। यहाँ कुर्मी 3,10,312 है, वैश 2,96,080, क्षत्रिय 44,945 और मुस्लिम 1,53,210 है। वहीं यादव 2,30,530 के करीब है, ब्राह्मण 2,80,993 है। यहाँ के राजनीतिक इतिहास पर नजर डाले तो 1957 में प्रोफेसर शिवबन लाल सक्सेना पहले सांसद बने जो निर्दलीय जीते थे। 1962 और 1967 में कांग्रेस से महादेव प्रसाद जीते। 1971 और 1977 में एक बार फिर से प्रोफेसर शिवबन लाल सक्सेना निर्दलीय जीते। 1984 में कांग्रेस के जितेंद्र सिंह ने जीत हासिल की। 1989 में जनता दल से हर्षवर्धन जीते। 1991, 1996 और 1998 में बीजेपी के पंकज चौधरी ने जीत दर्ज की। 1999 में सपा के अखिलेश सिंह ने जीत का परचम लहराया। 2004 में एक बार फिर से पंकज चौधरी बीजेपी के टिकट पर जीते। 2009 में कांग्रेस के हर्षवर्धन जीते और 2014 में बीजेपी के पंकज चौधरी एक बार फिर से बड़े वोटों के अंतर से जीते। अब सवाल ये है कि क्या महाराजगंज लोकसभा सीट पर 2009 का इतिहास दोहराया जाएगा? क्या अल्पसंख्यक मतदाता एक बार फिर से इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते नजर आएंगे? आखिर 17वीं लोकसभा में देश की सबसे बड़ी पंचायत में महाराजगंज सीट का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ऐसे कई सवालों के जवाब 23 मई को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। दंगल 2019 की हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही।